भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। बड़ी खबर है, वहां बड़ा एनकाउंटर हुआ है और इस बड़े एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, क्योंकि जैश के टॉप मोस्ट कमांडर को फिर से मारकर ढेर कर दिया गया है और उस हमले का बदला भी लिया गया है, क्योंकि इस एनकाउंटर में IED धमाके करने वाला, हमले करने वाला यासीर जो है वो मारा गया है। उसने एक वक्त जो है वो SF जो है हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं उनको भी एक बार उसने निशाना बनाया था और ये एक बड़ा जो है वो बदला लिया गया है। 44 RR की तरफ से इसे मारकर ढेर किया गया है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। पुलवामा जिले के कसबयार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। IG कश्मीर जो है विजय कुमार, उन्होंने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का कमांडर यासीर परे और दूसरा पाकिस्तानी आतंकी फरकान है। दोनों आतंकियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि ये दोनों कुख्यात आतंकियों की तलाश काफी वक्त से हो रही थी और यासीर IED एक्सपर्ट था। उसने कश्मीर में वारदात को अंजाम देने के लिए कई बार IED बनाई है। उसके मरने से कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। कमांडर जो है जैश का जो मारा गया यासीर पारे, उसने दिसंबर 2019 में गणतंत्र दिवस 2020 के दौरान घाटी में किए गए IED हमलों की योजना तैयार की थी। ये हमला दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर किया जाना था। यही नहीं, ये दोनों आतंकवादी केंद्र शासित प्रदेश में कई दूसरे आतंकी हमलों के लिए भी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलवामा के राजपुरा इलाके के कसबयार मोहल्ले में जो है ये दोनों आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद SOG के जवान, सेना, CRPF ने संयुक्त रूप से इस इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों को की जो है उन्होंने तलाश की और उन्हें घेरा। जैसे ही उन्हें आतंकियों के एग्जैक्ट लोकेशन का मालूम चला, उसे घेरा गया और फिर गोलीबारी शुरू हुई, जिसके बाद जो है उन्हें सरेंडर तक का भी मौका दिया गया। लेकिन जब लगातार आतंकियों की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी तो इसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। वहीं इस दौरान जो है वो रेस्क्यू को भी अंजाम दिया गया, क्योंकि आम लोगों को सुरक्षित जगह पर वहां से पहुंचाया गया और उसके बाद मुठभेड़ स्थल पर ही उन दोनों को मारकर ढेर कर दिया गया। वहां से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो जिस तरीके से इस एनकाउंटर में यासीर को मारा गया और पाकिस्तानी आतंकी को मारा गया, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साफ मैसेज है कि सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस में तेजी लाए हुए हैं और चुन चुनकर उन आतंकियों को मारा जा रहा है जो इस पूरे स्ट्रक्चर में जो है वो बड़ी भूमिकाएं निभाते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर आप बड़े आतंकियों को मारकर ढेर कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, और आईडी बनाने वाला अगर आतंकी को मारा जा रहा है और एक तरीके से ये बदला भी लिया गया है पुराने हमलों का और जिस तरीके से उसे मारकर ढेर किया गया, ये भी साफ संदेश है कि अब जो भी दूसरा आएगा उसका भी अंजाम यही होगा। वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, भारत के खिलाफ अगर वो बंदूक उठाता है, भारतीय कानून से ऊपर खुद को समझता है, तो नतीजा सबके सामने है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।